टूथपेस्ट के खाली होने पर आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं? हाँ, अक्सर हम फेंक ही देते हैं। अगर आप फेंकने जा रहे हैं तो इससे पहले ये वीडियो जरूर देखें। आज मैं टूथपेस्ट की खाली ट्यूब के इस्तेमाल का टिप शेयर करने जा रही हूँ। इसी के साथ मोनिकास DIY में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्रेस करने पर भी जब टूथपेस्ट नहीं निकलता तो लगता है कि खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेस की हुई टूथपेस्ट की ट्यूब को हम फिर से इस तरह से सेट करेंगे। टूथपेस्ट की खाली ट्यूब में हम पीने का पानी भरेंगे। जो पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं वही पानी डालेंगे। जिस ट्यूब को हम खाली समझकर फेंक देते हैं, एक्चुअल में उस ट्यूब में बहुत सारा पेस्ट लगा होता है, और फिर उसका ढक्कन लगाकर हम अच्छे से शेक कर लेंगे और इस तरह से हमारा होममेड माउथवॉश बनकर तैयार है। अगर आपने इस तरह से अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई जरूर करके देखें। इस तैयार माउथवॉश से आप खाना खाने के बाद कुल्ला करें, और कई बार बच्चे रात को ब्रश करना नहीं पसंद करते तो आप बच्चों को भी इससे कुल्ला करवा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।